आज की वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूं कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी का बीए बीएससी बीकॉम पार्ट थर्ड का एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है, तो उसको डाउनलोड कैसे किया जाता है, इसी के बारे में मैं आप सबको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप कोई भी गूगल ब्राउज़र को ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ आप टाइप करेंगे purniayunivarsity.ac.in और एंटर करेंगे। उसके बाद आपके सामने पूर्णिया यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल पेज खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ नीचे आएंगे, एग्जामिनेशन फॉर्म इसके ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ एग्जामिनेशन फॉर्म लिंक इसके ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ आपको बोल रहा है कि लॉगिन करने से पहले आप अपना पासवर्ड को फॉरगेट कर ले, और फॉरगेट करने के बाद आपका पासवर्ड ये वाला रहेगा, इसी को आपको दर्ज करना होगा। तो चलिए इसको हम क्लोज़ करेंगे। हम पहले से ही फॉरगेट कर चुके हैं, तो मुझे अभी फॉरगेट नहीं करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे, जो आपका पार्ट वन पार्ट टू का एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, वही वाला रजिस्ट्रेशन नंबर या एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पासवर्ड लिखेंगे, सारा स्मॉल में लिखना है। उसके बाद यहाँ से अपना इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करेंगे, RDS कॉलेज है, इसको हम ले चुके हैं। उसके बाद ये वाला कैप्चा को यहाँ फिल करेंगे और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका यहाँ डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा, आपका यहाँ पे नाम आ जाता है। उसके बाद आपको यहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ एडमिट कार्ड डाउनलोड इसके ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको कुछ डिटेल्स को फिल करना होगा, जैसे सिलेबस यहाँ से अपना चूज़ कर लेंगे 2021। उसके बाद यहाँ से सेशन चूज़ कर लेंगे 22-23, और यहाँ से अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से डिसिप्लिन में आप अपना पॉलिटिकल साइंस ऑनर सेलेक्ट कर लेंगे, जो आप दिए हैं वही वाला आ जाएगा यहाँ पे। और सेमेस्टर ईयर में आप यहाँ थर्ड ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि मुझे थर्ड ईयर का ही एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है। उसके बाद यहाँ टाइप में आप यहाँ रेगुलर हैं तो रेगुलर, बैक हैं तो बैक, वो वाला सेलेक्ट कर लेंगे और डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको एक नया पेज में रिडायरेक्ट कर देगा, यहाँ आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होकर के इस तरह से ओपन होगा। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह का आपका एडमिट कार्ड होगा। जब तक थोड़ा सा वेट कर लीजिए, उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड इस तरह से शो करेगा। आप इसको जूम भी करके देख सकते हैं, इस तरह जूम कर लीजिए। उसके बाद यहाँ इसको आप देख सकते हैं, ये थर्ड ईयर का है, पॉलिटिकल साइंस या रेगुलर 2023 लिखा हुआ है। आपका फ़ोटो सिग्नेचर, आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर ये वाला है। उसके बाद यहाँ नाम, फादर नेम, मदर नेम। उसके बाद यहाँ आपका कौन सा सेंटर पर है, वो वाला सेंटर भी यहाँ पर आ जाएगा, 4 SRCD कॉलेज कटिहार। उसके बाद यहाँ इसी तरह से आप अपना यहाँ पे सब्जेक्ट देख सकते हैं, और सब्जेक्ट का कोड यहाँ देख सकते हैं, टाइम कब से कब का आपका एग्ज़ाम होगा वो यहाँ पे दिया गया है, और डेट सेटिंग यहाँ पे सब दिया गया है, कौन सी तारीख से आपका एग्ज़ाम है और फर्स्ट सेटिंग में है या सेकंड सेटिंग में, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ आता है। सो इसी तरह से आप पूर्णिया यूनिवर्सिटी का थर्ड ईयर का एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और इस तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।